See students, today we are going to learn standard 5th science. Our lesson, name of the lesson is Our Earth and Solar System. See students, और हम किस planet पे रहते हैं बताओ? Earth पे रहते हैं. And our solar system. अब our solar system मतलब क्या? तो देखो, solar system मतलब हमारे sky में जितने भी planets थे, उसे हम क्या बोलते हैं? Solar system, like सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि एंड यूरेनस, नेपच्यून, बहुत सारे हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम सूर्यमाला मतलब सोलर सिस्टम ऐसा कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो फिर लेट्स सी. व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, जब हम किसी भी ओपन ग्राउंड में हैं, सपोज, तो हमें क्या दिखता है? ऊपर देखे तो वी सी द स्काई. इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार्स एंड दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. देखो इसके अपोजिट हम जब नाइट में सपोज हम ग्राउंड पे है या टेरेस पे है तो हमने देखा तो हमें स्काई में क्या दिखता है? बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. तो वे कैसे होते हैं? वे वेरी अर्थ से बहुत दूर होते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ. सी सेकेंड पैरा, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट का मतलब लिख लीजिए बुक में. प्रोमिनेंट मतलब क्या होता है? बोल्ड होते हैं वो. ओके, इट मीन्स क्लियर नजर आता है तारा. तो सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट व्हाइल सम आर टाइनी एंड फेंट. जो दूसरे तारे होते हैं, कुछ तारे हमें छोटे दिखते हैं और कुछ तारे हमें बहुत ब्लर दिखते हैं, यानी फेंट दिखते हैं. तो देखो, इफ वी लुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मेनी ऑफ देम ट्विंकल्स बट सम डू नॉट. जो हमने केयरफुली देखा तो हमें ऐसा नजर आता है कि जो कुछ स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं. ट्विंकल मीन्स लुक लुकते हैं, इसे हम मराठी में कह सकते हैं. ऐसा डिम 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 लाइट की तरह लुक लुकते हैं. बट कुछ जो होते हैं स्टार्स जो होते हैं वो शाइन नहीं करते. इट मीन्स दे आर नॉट ट्विंकल. अगेन सी नेक्स्ट, द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ. जो सन है और जो मून है वो कंपैरेटिवली क्लोज है अर्थ के. सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली. तो हमें उनके राउंड शेप्स क्या होते हैं क्लियरली हम देख सकते हैं. द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट एक्सेट्रा आर नोन एज हेवनली बॉडीज. इन सबको हम क्या कहते हैं? सन को, मून को, स्टार्स को और प्लैनेट्स को एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज मीन्स इसे हम खगोलीय वस्तु ऐसे कहते हैं. आप हम इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश ही वर्ड्स याद रखें. ओके, सो सी नेक्स्ट. सी, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, ट्राई दिस. देखो बच्चों, ऑब्जर्व द स्काई ऑन टू क्लियर नाइट्स कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक बिटवीन देम. बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. मतलब क्या दिया, क्या हुआ है? देखो सी, ऐसा कहेंगे हम, ऐसा कह सकते हैं हम जनरली एक सप्ताह के जो डिस्टेंस है, एक टू टाइम्स हमें स्काई का जो है ऑब्जर्वेशन करना है. और ये जो ऑब्जर्वेशन है हमें नाइट टाइम में करना है. और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमें करना है. सो सी अवर फर्स्ट पॉइंट, द ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज. मतलब उस हेवनली बॉडीज मतलब उस खगोलीय वस्तु के रंग क्या है, ये देखना है. वेदर द ट्विंकल, वो उनकी शेप
देखते हैं, वो स्विंकल होते या नहीं ये देखते हैं, द कलर्स एंड साइज भी देखनी है, एंड चेंजेस इन देयर पोजिशन, और उनके पोजिशन में क्या चेंजेस है हमें देखना है. सो डियर स्टूडेंट, सी ऑन बोथ नाइट, उन दोनों नाइट में ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंज फ्रॉम डे टू डे. हमें देखना है कि वो जो मून है या जनरल वी नो दैट नाइट के टाइम में तो मून ही होगा, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन में हमें दिखाई देता है कि मून का जो है क्या है ब्राइटनेस है, उसका हमें पिक्चर निकालना है. एंड मून का जो ब्राइटनेस हम जो रोज देख रहे हैं उसका हमें क्या करना है, वो कैसा कैसा चेंज हो रहा है वे हमें क्या ध्यान में लेना है. अब देखो, एक टीचर्स के लिए एक नोट दी हुई है, आपकी तो काम की नहीं है लेकिन बता दे रही हूँ. फॉर टीचर्स, दिस टीचर्स फॉर दिस स्काई वॉचिंग एक्टिविटी, एक क्या हुई स्काई वॉचिंग एक्टिविटी हुई, कॉल टू द चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद योर गाइडेंस टू लार्ज ओपन एरिया एंड क्लियर.